देखिए, लास्ट टर्न पे आप लोगों को प्रूफ कराया जा रहा था, कुछ पार्ट्स थे जिनका प्रूफ सॉल्व करवा रहे थे। ठीक है, अब उसी में आगे बढ़ते हैं। एक होमवर्क दिया गया था, लग गया होमवर्क? एक पार्ट आपको होमवर्क दिया गया था, कहा गया था आरएचएस लेकर के प्रूफ करेंगे, एनएचएस अपने आप आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग लिखते हैं थर्ड। इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट में, थर्ड में कह रहा है डेल जी के आई अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू के आई जे प्लस आई जे के। कहा गया था कि जो आपको लॉन्गेस्ट पार्ट दिखता है उसको लेकर के चलेंगे, शॉर्टेस्ट पार्ट अपने आप आ जाएगा। तो इसके प्रूफ में भी हम आरएचएस लेकर के चलेंगे, एलएचएस लाने की कोशिश करेंगे। लेट के आई जे प्लस आई जे के इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखवाइए इसका, 1/2, बोलिए, डेल जी के आई अपॉन डेल एक्स जे प्लस डेल जी के जे अपॉन डेल एक्स आई माइनस डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। फॉर्मूला नहीं लड़ना है, पहले के साथ आई को लेंगे, के साथ जे को लेंगे, फिर माइनस के साथ आई जी को लेंगे, प्लस उसके बाद है 1/2, इसका फॉर्मूला आएगा डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के प्लस डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स आई। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से टर्म इसमें से सॉल्व हो जा रहे हैं। इज इक्वल टू 1/2 डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो गया। डेल जी के आई ये दोनों ऐड हो जाएगा, बचा के जे और ये जे के, इसको थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं। 1/2 को कॉमन निकाला, डेल जी के आई अपॉन डेल एक्स जे प्लस डेल जी, आपको पता है ये सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक है तो चेंज कर देंगे, जे के अपॉन डेल एक्स आई, इसको करेंगे तो प्लस डेल जी, सिमेट्रिक होता है, के आई अपॉन डेल एक्स जे माइनस, सिमेट्रिक होता है ऐसे लिख देंगे, डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स आई। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा कि ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे, ऐड होने के बाद देगा 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ डेल जी के आई अपॉन डेल एक्स जे। जैसे ही 2 टाइम्स कैंसिल होगा मिलेगा डेल जी के आई अपॉन डेल एक्स जे। नीचे से लिख सकते हैं हेंस, सीधे सीधे अपनी इनइक्वलिटी लिख लेंगे, डेल जी के आई अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू के आई जे प्लस आई जे के। यही प्रूफ करना था। कल का होमवर्क हुआ मुकेश? भूल गए, कर लीजिएगा, उसी की तरीके से एक क्वेश्चन ये कराए हैं, उतार लीजिए। बस कुछ किया नहीं गया इस क्वेश्चन में, जैसे कल होमवर्क दिया गया था बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद जो कट पिट रहा है काट पिट देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट डाल के उतार लीजिए। कॉलेज में क्लास चल रही है आप लोगों के, ऑफलाइन? कहीं नहीं चल रहा है, केवल सेंट जोसेफ और सेंट एंड्रयूज में चल रहा है।
अच्छा पढ़ाते थे इंटर कॉलेज में वहाँ से बहुत अरे ठीक है सब ऊपर बेईमानी का पैसा बहुत नहीं टिकता है कभी भी जीवन में, ऐसा गच्चा देगा कि सब धरा का धरा रह जाएगा, ये नियम है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही पाएंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर पाएंगे, और जितना बेईमानी से कमाएंगे आज नहीं तो कल वो ज़रूर निकल जाएगा, यही नियम बना हुआ है। इसलिए कभी भी किसी भी काम में अपना 100% देने से पीछे मत होइए। आप 100% देंगे भले ही आपको लगेगा कि हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन एक ना एक दिन वो आउटपुट आपको इकट्ठे मिल जाएगा, क्योंकि देते टाइम ऊपर वाला भी इंतज़ार करता है सही समय का, सही समय पे आपको देगा। मेहनत में कभी कटौती मत करिए, आपका काम है मेहनत करना, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। किसी की भी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है, ये नियम है। जैसे एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होती है, कहीं पे भी उसका क्षय नहीं होता है, हानि नहीं होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही सेम इसमें भी एप्लीकेबल है। आपकी मेहनत का आउटपुट आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। आज ख़त्म कर देंगे ये चैप्टर, इसीलिए 3 बजे से बुलाए थे, 5:30 भी बज जाएगा लेकिन ख़त्म करके ही भेजेंगे। छठ तक रहेगा, त्यौहार का टाइम है ना, छठ तक रहेगी। हो गया भाई, अब इसका 4th और 5th पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे 1st, 2nd और 3rd तो सो था क्योंकि इसका यूज़ किया जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन 4th और 5th पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके। इसका प्रूफ आता है 4th और 5th पार्ट का जो आप कराएंगे। चलिए 4th पार्ट हो गया। देखिए 4th पार्ट में क्या कह रहा है, डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू माइनस जी एच के क्रिस्टोफल सिंबल आई एच जे माइनस जी एच आई क्रिस्टोफल सिंबल के एच जे। ठीक है, ये प्रूफ करना, और इसका प्रूफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई साल इसका प्रूफ भी पूछा गया है। देखिए कैसे करेंगे, पहले ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए, बाद में करिएगा। हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट, एक्चुअली मैं ये 4th पार्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका स्टार्टिंग लेवल ही बच्चों को एग्जामिनेशन में नहीं आ पाता है कि कहाँ से शुरुआत करेंगे तब ये थ्योरम प्रूफ होगा। हम लोग जानते हैं कि जी आई एच जी एच एल इज इक्वल टू, एच से एच कट जाएगा, मिलेगा क्रॉनिकल डेल्टा आई एल। कैसे लिखे हैं, जी आई एच जी एच और अपने मन से एक ले लिए हैं एल। ठीक है, क्रॉनिकल डेल्टा डेल आई एल।
अब इसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जे के रिस्पेक्ट में. किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? जे के, क्योंकि यहाँ पे भी जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है. डिफ्रेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पे पावर जे कॉमा वी गेट, करवाइए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. बारी बारी से करेंगे जी आई एच डेल जी एच एल अपॉन डेल एक्स जे प्लस जी एच एल डेल जी आई एच अपॉन डेल एक्स जे. और आपको पता है ये कांस्टेंट होता है, तभी इसका नाम है क्रोनिकर डेल्टा. और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ज़ीरो. ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट जो रिलेशन प्रूफ करना है उसमें अगर आप नोटिस करें तो इस तरीके के टर्म्स आए हैं. इस तरीके के टर्म्स आने का मतलब इसको और इसको हटाना पड़ेगा. इसको और इसको हटाने के लिए अभी जस्ट प्रूफ मैंने कराया था, उससे इसका मान रख देंगे तो मिलेगा दिस इम्प्लाइज जी आई एच जी आई एच. देखिए कहाँ पे मान लिखवाएं इसका. अभी जस्ट जो प्रूफ आपको दिए हैं उसमें मान लिखवाए थे हम. देखिए लिखवाया गया है सिंस थर्ड पॉइंट पे डेल जी के आई अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू के आई जे प्लस आई जे के. कैसे एडजस्ट हुआ ये देख लीजिए. सबसे पहले के को यहाँ रोके हैं, आई जे लिख दिए हैं, फिर आई को यहाँ रोके हैं, के जे को लिख दिए हैं. ठीक इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे तो डेल जी एच एल जे. सबसे पहले इसको करते टाइम हम एच को रोकेंगे, एल और जे को लिखेंगे प्लस उसके बाद एल को रोकेंगे, एच और जे को लिखेंगे. ठीक इसको उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं इज इक्वल टू माइनस जी एच एल जी एच एल बचा हुआ टर्म डेल जी आई एच अपॉन डेल एक्स जे. ये कोवेरिएंट पोजीशन में है, ये कंट्रावेरिएंट पोजीशन में, इसलिए इसका मान नहीं रख सकते. दूसरी चीज़ यही तो हमको निकालना है ना. बस करना क्या है, इसके साथ इसका कोई कोफिशियंट नहीं आना चाहिए, कोई कोफिशियंट नहीं आना चाहिए. तो इस कोफिशियंट को हटाना पड़ेगा. इस कोफिशियंट को हम कैसे हटा रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा. इसी को पहले लिख रहे हैं दिस इम्प्लाइज, देखिएगा माइनस जी एच एल माइनस जी एच एल डेल जी आई एच अपॉन डेल एक्स जे. इसको हम कहते हैं हटाना है, हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी. ये आई के है, यहाँ आई एच है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एल के से. क्यों? एल से एल कट जाएगा, क्रॉनिकल डेल्टा एच के आएगा, एच से एच कट जाएगा, उसकी जगह के आ जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी एल के का, दोनों पक्षों में जी एल के का मल्टीप्लाई किए, जी एल के साथ में आएगा जी आई एच ब्रैकेट में एच एल जे प्लस एल एच जे. क्यों मल्टीप्लाई हुआ समझ में आ गया? आगे बढ़े. दिस इम्प्लाइज ये दोनों अब सॉल्व होगा माइनस जी एल के जी एच एल डेल जी आई एच अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एल के जी आई एच
एच एल जे, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस जी आई एच, क्या कर रहे हैं इसको इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो एच से एच कट जाएगा, क्रिस्टोफल सिंबल की सेकंड वाले की डेफिनेशन आ जाएगी। अगर इसको इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो एल से एल कट जाएगा, के ऊपर के साथ आएगा, इसलिए हम कुछ ऐसा एडजस्ट कर रहे हैं जी एल के एल एच जे। यहाँ तक में कोई दिक्कत इतने में नहीं। अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, ये दोनों अब मिल करके आपको देंगे माइनस क्रॉनिकर डेल्टा, एल से एल कट जाएगा, के एच डेल जी आई एच अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू जी एल के, जैसे लिखा है वैसे ही लिख दिए, और ये दोनों मिलेंगे, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड की डेफिनेशन आएगी, एच से एच कटेगा, मिलेगा आई एल जे बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड प्लस जी आई एच, और ये कटेगा एल से एल, मिलेगा के एच जे बाय डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट एच से एच कटेगा, डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू, माइनस को हम उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, आएगा माइनस के साथ जी एल के आई एल जे माइनस जी आई एच के एच जे। दिस इम्प्लाइज डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू, डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू जी एच के, जी एच के आई एच जे, एल ऊपर एल नीचे, डमी इंडेक्स किसी अदर इंडेक्स से चेंज कर सकते हैं, एच से चेंज कर रहे हैं, माइनस जी एच के आई एच जे, ठीक। और जी एच आई के एच जे ये सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है तो माइनस जी एच आई के एच जे, यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स एच, सॉरी एल बाई एच, ठीक है, उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपके साथ वाले क्लास नहीं करेंगे क्या? उसके चोरी पिताजी आ रहे थे लखनऊ से, वो चोरी लगाई नहीं होती है, वो सब इसकी लगाई तो होती है। अरे तबीयत ठीक है ना फादर उनके? अरे थोड़ा स्वास्थ्य स्वास्थ्य का समय ध्यान रखिए, ये साल जिनका सुखमय तरीके से कट गया वो सबसे है, मतलब लोगों ने कहा है कि ये साल सबके लिए बहुत भारी है। ढंग से आप जीवित रह गए, खा रहे पी रहे हैं तो आप सबसे धन्य इंसान हैं, बहुत भारी है ये साल सबके लिए, कितनी मौतें। नहीं, हम तो खुद ही कह रहे हैं, जैसे ये साल बहुतों लोग के लिए भारी है, कितने लोग इस साल जाने पहचाने माने, मतलब बड़ी बड़ी हस्तियां जो है ख़त्म हो गई, बहुत भारी साल है ये। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी घटित।
हम खुद तो आज सर बुला रहे थे यूनिवर्सिटी में क्लास लेने के लिए, हम गए नहीं गए। आज मैसेज पड़ा था कि आज से यूनिवर्सिटी में क्लास लेने के लिए उपस्थिति दर्ज कराएं। भैया कोरोना से इंसान बच रहा है, कहाँ जाके यूनिवर्सिटी में खुद को कोरोना कराएगा। इस समय तो लोग भीड़ की जगहों से पीछा छुड़ा रहे हैं। अभी हर जगह भीड़ रहेगी जब तक छठ नहीं होगा। बीस को आप लोगों का ऑफ रखेंगे है ना, 20th को। हालांकि ऐसा कोई वो नहीं है ऑफ़ रखने का, लेकिन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत होगी। फिर ऑनलाइन के कुछ बच्चों ने भी बोला कि उस दिन ऑफ़ रखिए क्योंकि बहुत लोगों के यहाँ मनाया जाता है। ठीक है, नहीं आप लोगों को बस दिक्कत ना हो आने में, क्योंकि इधर ही वो लोग पूजा के लिए निकलते हैं, तो हो सकता है कि आपको ट्रैफिक मिले। Does not possess good property. Show that law of transformation of Christoffel symbol possess good group property. आज कराएंगे ना ये दोनों, आज कराएंगे ना। यहाँ से उतार लीजिए ऊपर से। बुक लाया है क्या कोई आप लोग में? नहीं। हाँ थर्ड के लिए आधा पेज छोड़ दीजिए। जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो किस ईयर में पूछा है? लास्ट फाइव है ना। अब उसको आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है।
बारह में भी नहीं आया था ये। अरे बारह में तो हम ही थे ना। ये क्वेश्चन 2008 या 9 के बाद नहीं आया होगा। क्रिस्टोफर सिंबल ग्रुप प्रॉपर्टी को पजेस करते हैं, ये क्वेश्चन हटा दिया गया था। दो हज़ार बारह में तो हम पढ़ाना शुरू कर दिए थे। आज इसमें आपको चैप्टर में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे एक दो फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, वो डेरिवेशन के बीच में आता है लेकिन उसका बहुत यूज़ है, वो सब भी लिखना हम समझाएंगे कि आज कैसे उसको मतलब लिखा जाता है। आज आप लोग इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे और उसी का यूज़ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन में होता है, डायरेक्ट यूज़ होता है। हो जाए तो बताइए कहिए। हो क्या? लास्ट प्रॉपर्टी उस पर भी लगाइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ और फिफ्थ बहुत पूछा जाता है। एक बार आपको याद होगा लॉग जी का डेरिवेटिव हमने करवाया था, और हमने कहा था पूरी किताब में एक क्वेश्चन दो जगह आया हुआ है, ठीक है, और उन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है, वही वाला आज कराने चल रहे हैं। फिफ्थ पार्ट, डेल लॉग अंडर रूट जी अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू आई जे। कुछ याद आया? ठीक इसी टाइप का वहां पे भी था, बस वहां पे रूट जी नहीं था, वहां पे लॉग जी था, केवल डेल लॉग जी अपॉन डेल एक्स के था वहां पे, ठीक है। और इस जैसे केवल यही दो क्वेश्चन बुक में है, कभी ये पूछता है कभी वो पूछता है, और वाइवा में भी आपके सर पूछते हैं कि डेल लॉग जी अपॉन डेल एक्स के की वैल्यू क्या होती है, तो वहाँ से बताइएगा, और पूछेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है तो ये बताइएगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिशन्स में ऑब्जेक्टिव में भी आता है, होम एग्जामिनेशन में प्रूफ में आता है, और वाइवा में भी आता है, इस पर भी लगा लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखिए जैसे वहाँ प्रूफ किए थे ठीक वैसे ही यहाँ प्रूफ करेंगे। आप जानते हैं सिंस वी नो दैट वहाँ पे भी आपको बताया गया था कि डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे या डिटर्मिनेंट को डिफ्रेंशिएट करने का क्या तरीका होता है। वहाँ पे आपको बताया गया था सिंस वी नो दैट जी इज इक्वल टू मॉड जी आई जे। कुछ याद आया? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग एबव विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ जे की जगह के कर दीजिए क्योंकि जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पे पावर जे कॉमा वी गेट, वहाँ पे भी सेम यही लाइन लिखवाए थे, तो आएगा डेल जी अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू, किसी भी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है, कहते हैं उसके टर्म को डिफरेंशिएट करते जाओ और उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करते जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट में समझाए थे, और जब ये वाला प्रूफ पहले कराए थे तब भी एक बार समझाए थे कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है a11
a12, a21, a22 ये बराबर है a के, तो इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब ये होता है कि इसके टर्म को डिफरेंशिएट करो, डेल ए वन वन अपॉन डेल एक्स जे इंटू को फैक्टर ऑफ a11 इन a, फिर कहे थे प्लस का साइन लगाओ, फिर इस टर्म को डिफरेंशिएट करो डेल a12 अपॉन डेल एक्स जे, फिर इसके को फैक्टर का मल्टीप्लाई करो, फिर कहे थे प्लस के बाद इसको डिफरेंशिएट करो और फिर इसके को फैक्टर का मल्टीप्लाई करो और प्लस के बाद इसको डिफरेंशिएट करो और फिर इसके को फैक्टर का मल्टीप्लाई करो। कुछ याद आया? ये फॉर्मूला आपको हम 2-3 बार बता चुके हैं। तो यहाँ पे अगर एप्लीकेबल करेंगे तो टर्म बाय टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे इनटू को फैक्टर ऑफ जी आई के इन जी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, कोई किसी भी डिटर्मिनेंट में जितने मेंबर्स होते हैं बारी बारी से डिफरेंशिएट करिए और उसमें उनके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करते जाइए, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए, फिर आपको बताया गया था, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, फिर आपसे कहा गया था अगेन सिंस वी नो दैट, जैसे वहाँ प्रूफ करवाएं बिल्कुल ठीक वैसे ही यहाँ पे करा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, वहाँ पे भी ये लाइन लिखवाए थे ऐसे ही कराए थे, फिर लिखवाए थे सिंस वी नो दैट, वहाँ पे भी लिखवाया गया था कि आप जानते हैं जी आई जे का मतलब होता है, जी आई के का मतलब होता है को फैक्टर ऑफ जी आई के इन जी अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे इसका मान निकालेंगे तो मिलेगा को फैक्टर ऑफ जी आई के इन जी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी जी इंटू जी आई के, जी इंटू जी आई के, इसको इक्वेशन नंबर 2 वहाँ पे भी माने थे। फिर कहे थे 2 का यूज़ 1 में कर दीजिए, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, जैसी इक्वेशन 2 का यूज़ इक्वेशन 1 में करेंगे मिल जाएगा डेल जी अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे, और इसकी जगह मिल जाएगा जी इंटू जी आई के। ठीक, वहाँ पे भी सेम यही काम आपने किया था। अब देखिए, जो रिजल्ट प्रूफ करना है वो आपका क्रिस्टोफल सिंबल के फॉर्म में है, तो अब हम कोशिश करेंगे सबको क्रिस्टोफल सिंबल के फॉर्म में चेंज करने की। ये टर्म आगे की तरफ आ जाएगा, मिलेगा आपको दिस इम्प्लाइज डेल जी अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू जी जी आई के इंटू डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे। दिस इम्प्लाइज, इसको यहाँ ले आइए, 1 अपॉन जी डेल जी अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू, ठीक, जी आई के हम एस सच लिख रहे हैं, और इसका फॉर्मूला भी जस्ट इसके पीछे वाले में हम लिखना समझाए थे आपको, कहे थे कि इसका फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला होता है, बोलिए, आई के जे प्लस के आई जे, अभी जस्ट लिखना सिखाए थे और ये सेकेंड या थर्ड पॉइंट था। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन जी अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए जी आई के जे प्लस जी आई के आई जे। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन जी अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू, आई से आई कट जाएगा क्रिस्टोफल सिंबल की डेफिनेशन से, के जे मिलेगा प्लस के से के कट जाएगा क्रिस्टोफल सिंबल से, आई आई जे मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन जी डेल जी अपॉन डेल एक्स जे
इज इक्वल टू, जो प्रूफ करना है आई आई जे है, आई आई जे है के ऊपर के नीचे, दे बिहेव लाइक अ डमी इंडेक्स, किसी अदर इंडेक्स से चेंज कर सकते हैं जो इस टर्म में ना आया हो, इसमें आई नहीं आया है, आई से चेंज करेंगे आई आई जे प्लस आई आई जे। रीजन इसका इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स के बाई आई इन फर्स्ट टर्म ऑफ आर एच एस। आर एच एस के फर्स्ट टर्म में हमने ये चेंज कर दिया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट वन अपॉन जी डेल जी अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू, एड होगा टू टाइम्स ऑफ आई आई जे। दिस इंप्लाइज दैट टू को यहाँ ले आइए, वन अपॉन टू जी अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू आई आई जे। दिस इंप्लाइज डेल लॉग अंडर रूट जी अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू आई आई जे। कैसे हमने ये चीज़ लिख दी, अब उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जैसे लिखा हो डेल अपॉन डेल एक्स जे लॉग रूट जी, ठीक, इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स जे लॉग जी पे पावर वन बाई टू, ठीक, वन बाई टू आगे आ जाएगा, मिलेगा डेल अपॉन डेल एक्स जे वन बाई टू लॉग जी। आपको पता है वन बाई टू कॉन्स्टेंट हो गया, वन बाई टू बाहर निकल जाएगा, मिलेगा आपको वन बाई टू डेल अपॉन डेल एक्स जे लॉग जी। लॉग जी का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन जी, वन अपॉन जी, फिर डेल जी अपॉन डेल एक्स जे, डेल जी अपॉन डेल एक्स जे। आ गया सेम वही चीज, डेल अपॉन डेल एक्स जे लॉग रूट जी का मतलब जी पे पावर वन बाई टू, लॉग के साथ कांस्टेंट ऊपर होता है, लॉग ए टू दी पावर एम इज इक्वल टू एम लॉग ए। ये आगे आ गया, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते नहीं, ये बाहर कर देते हैं, वन बाई टू बाहर हो गया, बचा ये टर्म। लॉग जी का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन जी, और जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल जी अपॉन डेल एक्स जे। तो ये पूरी की पूरी वही चीज़ लिखाई है, ठीक है, उतार डालिए। आप चाहिए तो ये चीज़ कहीं लिख सकते हैं, ये तीन लाइन, ये और ये चौथी लाइन, ये कॉपी के मार्जिन पे लिखना चाहे तो लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी, प्रूफ डाल के यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अभी तीन चार दिन पहले, चार क्या, आठ दस दिन हो क्या होगा, सेकेंड ईयर में एक बच्ची एडमिशन ली है, नहीं तेज है पढ़ाई में, एक तो हमको लगता है बस वो भी दिवाली के पहले ली थी, कल तक सब पढ़ डाली, और क्रॉस क्वेश्चन का तरीका देखिए, हमको लगता है कल वो चार से पांच चीज़ें हमसे पूछें, डेट काइंड से मैम ये चीज़ कैसे, मतलब हमको मजबूरी हो गई कि उसको फिर से एक करेक्शन वीडियो देने का, हम क्या, हम आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम आपका डाउट क्लियरेंस कर सकें, क्योंकि बार बार ऐसे रिकॉर्ड करके भेजने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तेज़ पढ़ाई में, जैसे बच्चे आप लोगों का पढ़ने का तरीका से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि सामने वाला कैसा है पढ़ाई में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरीके से वो तरीके से पूछ रही थी एक एक चीज़, एक एक मतलब हमने जो समझाया उसका स्क्रीनशॉट लेके, मैम ये कैसे हुआ, ऐसे आया, मतलब बहुत बढ़िया बच्ची है, मतलब ऐसे बच्चे वास्तव में आगे बढ़ते हैं।
टूट जाए तो बताइए तुम। हो गया भाई, आज ही चैप्टर ख़त्म करने के बाद ही छुट्टी करेंगे, हमको लग रहा 5:30 बज जाएगा। हो गया, कोशिश करेंगे कि दिसंबर 1st वीक में करवीन स्पेस शुरू हो जाए। अभी देखिए चैनल के जस्ट बाहर रखा है, खोल देता था ना बेटा तो बाहर ही रखने लग गया। टेबल के नीचे एक ग्लास रखा है, हो गया भाई। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले वो थ्योरम नहीं पूछा जाता था, अब इधर में 2-3-4 साल से कई बार पूछा गया है पलट पलट के। लिखिए, इफ थ्योरम, इफ GIJ is equal to 0 for I does not equal to J, if GIJ is equal to 0 for I does not equal to J, if GIJ is equal to theorem next, if GIJ is equal to 0 for I does not equal to J and I, J, K are unequal, unequal होने का मतलब at a given instant ये तीनों एक value नहीं रखेंगे, and I, J, K are unequal, I की value भी 1 to n, J की value भी 1 to n, K की value भी 1 to n,
लेकिन एक बार में तीनों का मान सेम नहीं होगा। अगर i 10 है तो j 12 होगा, k 20 होगा, तीनों का मान सेम नहीं होगा, मतलब तीनों इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, दैट इज अनइक्वल। देन प्रूव दैट पहला पॉइंट, i j k इज इक्वल टू जीरो। दूसरा पॉइंट, i j इज इक्वल टू माइनस j i। तीसरा पॉइंट, सॉरी इसी में आ गए हैं, इज इक्वल टू हाफ डेल g i अपॉन डेल x j। तीसरा पॉइंट, i इज इक्वल टू 1/2 डेल जी i अपॉन डेल एक्स आई। चौथा पॉइंट, i j k इज इक्वल टू 0। पांचवा पॉइंट, j i इज इक्वल टू -1/2 जी जे जे डेल जी आई अपॉन डेल एक्स जे। छठवां पॉइंट, आई जे इज इक्वल टू 1/2 डेल लॉग जी आई अपॉन डेल एक्स जे। सातवां पॉइंट, i इज इक्वल टू 1/2 डेल लॉग जी आई अपॉन डेल एक्स आई। इसमें से कुछ भी आ सकता है। हो गया भाई, कोशिश करेंगे कि अब ये 10 दिन के अंदर अंदर मैट्रिक स्पेस का पहला चैप्टर भी खत्म हो जाए और ये भी खत्म हो जाए, मतलब कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन तक। ठीक है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन और मैट्रिक स्पेस का पहला चैप्टर पूरा का पूरा, ये दोनों भी इस महीने का टारगेट रहेगा। चलें, अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो तो एक थ्योरम कराए थे, कहते जी आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई डज नॉट इक्वल टू जे, देन ध्यान आए तो जी आई जे भी 0 हो रहा था फॉर I does not equal to J, और एक रिलेशन प्रूफ कराए थे एंड जी आई आई इज इक्वल टू 1/ जी आई आई। इनफैक्ट ये हमने गलत लिखवा दिया था, ऊपर लिखवा दिया था, प्रूफ किए थे तो ये आया था, तो हम कहते उसको ठीक कर लीजिएगा, और इसी के साथ ये चीज़ प्रूफ करना सिखाए थे। उसी दिन हम बताए थे कि सारे एलिमेंट अगर 0 हो और डायगोनल बचा हुआ हो तो उस डिटर्मिनेंट का मॉड्यूलस वैल्यू डायगोनल के एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये रिजल्ट हम लोग जानते हैं, है ना। लिखिए, सिंस वी नो दैट, प्रूफ में लिखिए, सिंस वी नो दैट, ये नहीं बस प्रूफ डालिए, प्रूफ में केवल लिखिए, अभी पॉइंट वाइंट कुछ नहीं लिखना है, प्रूफ में केवल लिखिए, सिंस वी नो दैट, ये लाइक इफ
जी आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई डज नॉट इक्वल टू जे, देन जी आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई डज नॉट इक्वल टू जे एंड जी आई आई इज इक्वल टू वन अपॉन जी आई आई. Okay. Now, नीचे से लिखिए now हो गया, छोड़ दीजिए. देखिए पहला पॉइंट कह रहा है I J K is equal to, परिभाषा होती है 1/2 del G I J upon del X K, बोलिए साथ में, प्लस डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स आई. आपसे कहा है कि आई और जे तीनों अनइक्वल है, ये भी अनइक्वल, ये भी अनइक्वल, ये भी अनइक्वल, तो उस कंडीशन में वैल्यूज क्या है? ज़ीरो. और आपको पता है कि ज़ीरो को डिफ्रेंशिएट करते तो भी क्या आता है? ज़ीरो. फिर यहाँ लिखेंगे सिंस आई जे के आर unequal, this implies g I j is equal to 0, g I k is equal to 0, g j k is equal to 0. unequal के केस में ये सारी वैल्यूज क्या हो गई? 0. जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 का डिफ्रेंशिएशन भी क्या हो जाएगा? 0. ठीक. दूसरा पॉइंट I I J is equal to, formula लिखवाइए, 1/2 del G I I upon del X J plus del G I J upon del X J minus, ये I होगा, del G I J upon del X I minus del G I J upon del X I. ये टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगा? कैंसिल. मिलेगा आपको इज इक्वल टू 1/2 डेल जी आई आई अपॉन डेल एक्स जे. हमने इस पार्ट से ये वाला पार्ट प्रूफ कर दिया. ठीक है, अब रही इसकी बारी, इसको प्रूफ करवाइए. अगेन वैल्यू है इसकी जे आई आई इज इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला बोलिए, डेल जी जे आई अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल जी जे आई अपॉन डेल एक्स आई. ठीक है, माइनस डेल जी आई आई अपॉन डेल एक्स जे. ठीक, देखिए इसमें आपका एक सेकेंड, ये और ये टर्म, इन दोनों टर्म को देखेंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? ज़ीरो. क्यों ज़ीरो हो जाएंगे? क्योंकि आपसे कहा है कि जे आई जे की वैल्यू क्या है? ज़ीरो, जब दोनों आपके अनइक्वल है. तो यहाँ आप कहेंगे सिंस आई कॉमा जे आर अनइक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट जी जे आई इज इक्वल टू ज़ीरो. ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, ज़ीरो का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो. दिस इम्प्लाइज दैट, मिल जाएगा आपको जे आई आई इज इक्वल टू माइनस 1/2 डेल जी आई आई अपॉन डेल एक्स जे. दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 डेल जी आई आई अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू माइनस जे आई आई. एक इक्वेशन इसको मान लीजिए, एक इक्वेशन इसको मान लीजिए. जैसी कंबाइंड करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, जैसी कंबाइंड करेंगे आपको मिल जाएगा आई आई जे इज इक्वल टू, आई आई जे इज इक्वल टू 1/2 डेल जी आई आई अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू माइनस जे आई आई. यही प्रूफ करना था. ठीक है, तीसरा वाला पॉइंट आपका होमवर्क,
ठीक है, आई 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 सब आई 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 हो जाएगा, जहाँ जहाँ जे है वहाँ भी आई हो जाएगा, ये टर्म इससे कट जाएगा, जे की जगह आई, डेल जी आई आई अपॉन डेल एक्स आई। ठीक है, उतारियो। नाउ के बाद पहला पॉइंट उतार के लिखिए यहाँ से, यहाँ से। हो जाए तो बताइएगा फिर हम। हो गया, थर्ड आप कर लेंगे। थर्ड के लिए जगह छोड़ दीजिएगा 5-6 लाइन की, जितने में आपका आ जाए। थर्ड वाले में बस केवल यहीं से एक ही लाइन में हो जाएगा, जैसे जे की जगह आई करेंगे
जे की जगह आई, जे की जगह आई, जे की जगह आई, दो टर्म कैंसिल हो जाएगा और यही टर्म आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ आई जे के इज इक्वल टू लिखवाइए जी आई एच एच जे के, लिख सकते हैं। आपको पता है एच जे के तीनों अनइक्वल थे तो उस केस में वैल्यू क्या आई थी, जीरो फर्स्ट पार्ट से। इफ आई जे के आर अनइक्वल देन उस केस में आपका आई जे के जीरो है, तो ठीक इसी को यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट आई जे के इज इक्वल टू जी आई एच इंटू जीरो, दिस इम्प्लाइज आई जे के इज इक्वल टू जीरो, फोर्थ पार्ट है ये। ठीक है, फिफ्थ पार्ट ये, चलिए कराइए फिफ्थ पार्ट। जे आई आई इज इक्वल टू, जे आई आई इज इक्वल टू जी J H H I I, ठीक है, लेकिन हमको तो रिजल्ट इस फॉर्म में चाहिए, देखिए जी जे जे के फॉर्म में चाहिए, तो एक काम करिए इसको भी जी जे जे कर दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा जे, ठीक है, जे आई आई ये नीचे रिजल्ट जे जे के फॉर्म में चाहिए था तो हमने भी इसको जे जे कर दिया। अब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट देखिए, इसका यूज कर दीजिए, है ना, तो मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट जे आई आई इज इक्वल टू वन अपॉन जी जे जे, ठीक, और उसके बाद ये टर्म लिखा है, इसकी वैल्यू हम कहीं लिखे होंगे, ये देखिए जे आई आई की वैल्यू माइनस के साथ आएगा माइनस वन बाई टू डेल जी आई आई अपॉन डेल एक्स जे फ्रॉम प्रॉपर्टी टू, फ्रॉम प्रॉपर्टी टू, ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट जे आई आई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू जी जे जे डेल जी आई आई अपॉन डेल एक्स जे, यहाँ लिख दीजिएगा सिंस जी आई आई इज इक्वल टू वन अपॉन जी आई आई, ठीक है, उतारिए।
हो गया भाई, मिटा दे। आपका हुआ सिक्स्थ पार्ट, ये जे आई आई इज इक्वल टू जी जे के होता है, के आई आई होता है, यहाँ पे हमको जे जे प्रूफ करना था इसीलिए हमने इसको जे जे कर दिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। बहुत घुमावदार है ये, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, होता है इसमें प्रूफ तीन ही चार लाइन का है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी नहीं कर पाएंगे आप। फिफ्थ हो गया सिक्स्थ पार्ट। चलिए सिक्स्थ पार्ट में आपको दिया गया है आई, हाँ ये चलिए देखिए आई आई जे इज इक्वल टू, ठीक है, जी आई एच एच आई जे, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको जो प्रूफ करना है वो जी आई आई है, है ना, जी आई आई है। ठीक है, अब देखिए जी आई आई की जगह हम लिख देंगे वन अपॉन जी आई आई, और आई आई जे की जगह ये टर्म लिखेंगे तो मिलेगा वन अपॉन टू डेल जी आई आई अपॉन डेल एक्स जे फ्रॉम प्रॉपर्टी टू, फ्रॉम प्रॉपर्टी टू। ठीक, इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे तो मिलेगा आई आई जे इज इक्वल टू वन बाई टू को आगे कर दिया डेल अपॉन डेल एक्स जे, इसकी और इसकी जगह लिख रहे हैं लॉग जी आई आई, क्यों लॉग जी आई आई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन जी आई आई, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल जी आई आई अपॉन डेल एक्स जे, वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये आपका सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, सेवेंथ भी हाथ के आते देख लीजिए। सेवेंथ प्रॉपर्टी में इसी तरह से काइंड ऑफ लगेगी, देखिए फिफ्थ सिक्स सेवेंथ आई 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 इज इक्वल टू, ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है, आई 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 इज इक्वल टू जी आई एच एच आई आई, ये फॉर्मूला होता है, हमको आई आई के टर्म्स में ही चाहिए तो इसको भी हम आई बना दे रहे हैं, इसको भी हम आई बना दे रहे हैं। ठीक, फॉर्मूला लिखा है जी आई आई इज इक्वल टू वन अपॉन जी आई आई, और आई 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 की वैल्यू प्रॉपर्टी थ्री से लिखी है वन अपॉन टू डेल जी आई आई अपॉन डेल एक्स आई फ्रॉम प्रॉपर्टी थ्री। जैसे ऊपर वाले को कन्वर्ट किए थे वैसे इसको फिर कन्वर्ट कर लीजिए, आई 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 इज इक्वल टू वन बाई टू तो बाहर हो गया, डेल अपॉन डेल एक्स आई हो गया, इसकी और इसकी जगह लिख रहे हैं लॉग जी आई आई, आपको पता है लॉग जी आई आई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन जी आई आई, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल जी आई आई अपॉन डेल एक्स आई, तो यही प्रूफ करना था। अट्ठारह में आया है ये,
अरे गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने, वो यूपी के लिए था आदेश, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपना जारी किया है कि वो अंडर ग्रेजुएट यूजी को केवल ऑनलाइन चलाएगा और पीजी को ऑफलाइन चलाएगा। केवल रिसर्च के बच्चे और पीजी के बच्चे ही जाएंगे। हो गया भाई।